तो तीन राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम का फिलहाल अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, मुलाकात का भी दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। और इस बीच कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई और 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया और आज शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। जानने की और समझने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों इतना देरी कर रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं और राहुल तालान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की और शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है इतनी देर, आज पांचवा दिन हो गया, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका, तीनों राज्यों में लगातार मुलाकातें हो रही हैं, नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अब हमलावर भी नजर आ रही है आप पर। नहीं, हमलावर कांग्रेस होती है तो अच्छी बात है, होने दो, कुछ तो काम करें, बेचारे बिना काम के बैठे हुए लोग हैं। मैं तो आपको पांडे जी पहले तो याद कराना चाहूंगा हमारी पिछली मुलाकात, और उसमें मैंने कुछ फिगर्स आपको दिए थे, मैंने कुछ चीजें आपको बोली थी जिसके ऊपर आपके कांग्रेस के वक्ता, आप भी और आपके राजनीतिक विश्लेषक उस दिन के सब बड़े मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मजे लेने की क्या कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़े सामने आ रहे थे जनता के बीच, जो हमने सर्वे कराया छत्तीसगढ़ का, हम ही नहीं, तमाम तरीके की कई एजेंसियों ने कराया, छत्तीसगढ़ का जो सर्वे सामने आया, जनता बड़ी समझदार है, ठीक है, हमने कहा ना कि उसने जो सर्वे दिया वो मैंने आपको दिखाया, मजे किसी के लेने की हमें जरूरत नहीं है, जनता मजे लेने में सक्षम है। नहीं, जनता तो जो लेने और देने में सक्षम है वो तो जनता जनार्दन होती है, जो जनता को राक्षस बोलेगा उससे जनता मजे ले लेगी, जो जनता को ये समझेगा कि जनता बेवकूफ है, जनता एटीएम है, उसको खींच लो और बाहर जाके बोलो कि हम ये हैं, और अंदर दूसरी मीटिंग में बोलो नहीं नहीं हम तो आपके लिए हैं, तो ये तो जनता अपने आप मजे ले लेगी आपसे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन बहरहाल आपके प्रश्न पे आते हुए एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बोल दूं, क्योंकि विधायक दल और सारे लोगों के साथ एक समन्वय के तौर पे, और एक ये देखते हुए कि अगले 5 साल के लिए जो व्यक्ति प्रगति को और धार दे सके, जो व्यक्ति एक नया मार्गदर्शन, एक नया सिस्टम बना सके, एक नई चीज ला सके, या विधायक दल के अंदर किसके तरफ ज्यादा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर रुझान है, उन सभी आंकलों को देखते हुए, जनता जनार्दन की क्या आशाएं आकांक्षाएं हैं उनको भी समझते हुए, जो भी उपयुक्त कार्य है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना और समझना है। किसी भी राज्य में दबाव की राजनीति चल रही है क्या, दबाव कहीं से प्रेशर आ रहा है क्या, क्योंकि राजस्थान में जो तस्वीरें सामने आई, जो खबरें सामने निकल करके आई कि वसुंधरा, अरे आने दीजिए साहब, ये वो दौर नहीं है ना जहां राडिया का दौर हो, ये वो दौर है जहां पे सूत्रों के हवाले से जो चीजें आती थी उसमें सूखा पड़ गया सूत्रों में, और सूत्रों को अज्ञातवास पे जाना पड़ गया। तो ऐसे ही ये जो समय है इसके अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स तो किसी की चलेगी नहीं, वो एक जिसे कहना चाहिए कि आपके पास कुछ होना चाहिए प्रेशर बनाने के लिए। अब अगर आप ये बोलेंगे कि जी राहुल गांधी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को झुका लेंगे, उनके पास प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो ऐसे नहीं, सारे के सारे हंसेंगे ना। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आपके विधायक की भी बात कर रहा हूँ, आपके नेताओं की बात कर रहा हूँ। वसुंधरा राजे सिंधिया का मैं जिक्र करना चाह रहा था, 500 विधायक उनके यहाँ पहुंच गए, बधाई देने। देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स भाजपा में इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि भाजपा के अंदर एक फर्क जो आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए,
अन्य जितने भी दल हैं, जितने भी दल हैं वामपंथियों को छोड़ के, वो जमावड़ा है कुछ नेताओं का, या एक नेता का, या चार नेता, या छह नेता, या 10 नेता, या 50 नेता, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड एज ऑफ द पॉलिटिकल आउटफिट। लेकिन भाजपा जो है वो दल के नेता है वहां पे, तो वो कमल को पकड़ने वाला व्यक्ति नेता माना जाता है। और कुछ समय बाद अगर उसको की बजाय किसी और ने पकड़ना हो तो वो भी हंसते खेलते, आपको देवेंद्र फर्नांडिस जी की बात देखनी चाहिए महाराष्ट्र में, आपको सोनवाल जी की बात देखनी चाहिए असम में, आपको बिप्लब देव जी का विषय देखना चाहिए त्रिपुरा में। तो ये सारे के सारे एक ही चीज दर्शाते हैं कि यहाँ पे दल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जनता की आशाएं आकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो एक परिवार या एक व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं उनको ये चीजें शायद मुश्किल से समझ आएगी, शायद वो उत्तेजित भी हो जाए। ठीक है मनोज यादव जी, 3 राज्यों की जनता को इंतजार है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कौन उनकी बागडोर संभालेगा। लेकिन इंतजार इस बात का भी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि इंडिया गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए पांडे जी, लीडरशिप में एक है और उनके बराबर उनकी पार्टी में कोई दूसरा चेहरा नहीं, और उनकी बात को कोई तोड़ दे या काट दे ऐसा कोई दूसरा बीजेपी में है भी, तो मैं मोटा माटी ये समझता हूं कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये बात सत्य है तो अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन अगर देरी हो रही है तो उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा। बड़ा रीजन क्या है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पुरानी लीडरशिप को हटाना है, पुरानी लीडरशिप को हटा के नई लीडरशिप स्थापित करनी है। तो नए में क्या बात कर रहे होंगे, अरे मोदी जी की योजनाएं चली रही है, चाहे ए बनाओ, चाहे बी बनाओ, चाहे सी बनाओ, वही चला देंगे सारे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये हो रही होगी बार्गेनिंग गुजरात लॉबी, रमन मलिक नहीं बता पाएंगे लेकिन मैं बेहतर बता सकता हूँ, गुजरात लॉबी, चूंकि किसी ने कहा था कि गुजरात के खून में ही बनिया गिरी, और गांधी जी को भी चतुर बनिया कह दिया, तो वो बनिया गिरी इस वक्त मेरे ख्याल से मांडोली करती हुई नजर आ रही है। पूछ रही होगी तुम 1 साल का कितना पैकेज दोगे भाई, मान लो बजट है जितने भी 1,00,000 करोड़ का बजट है राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तुम कितना दोगे, दूसरे वाले पूछ रहेंगे कितना दोगे, क्योंकि गुजरात लॉबी इसीलिए जानी जाती है, ट्रकों से रुपया भर भर के पूरे देश का गुजरात पहुंचाया जाता है। मेरी बात अभी कहेंगे कि ना मनोज जी बिल्कुल गलत फैक्ट बता रहे हैं। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जिस कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी अहमदाबाद के, उसमें नोटबंदी में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ था, मतलब देश की किसी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा हुआ था जितना उस कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ था, कल्पना कर सकते हैं आप। इसलिए मुझे मालूम जा रहा है तो जो बेहतर बोली लगाएगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब वो बोली लगाने वालों की क्या बोलते हैं, वो ऑक्शन प्रक्रिया चल रही होगी, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कबड्डी वाला गेम हो या आईपीएल हो उसमें ऑक्शन बहुत चलता है, तो ऑक्शन चल रहा होगा, बोली लग के खरीदी जाएगी, कौन वाला मुख्यमंत्री ज्यादा पैसे गुजरात लॉबी को भिजवा पाएगा उसी को बना दिया जाएगा। बाकी कोई बड़ी राजनीतिक बातें नहीं है, ना कोई वहां पे फंसने वाली, और ना ही बीजेपी के अंदर किसी ऐसे लीडर की मैं जगह देखता हूँ जो बीजेपी से बगावत करके विधायक तोड़ के कांग्रेस के अशोक गहलोत को या खुद उनके समर्थन लेके मुख्यमंत्री बनने। लेकिन मनोज जी आप कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही सब कुछ हो जाता है, तो किसी को बना देंगे, कुछ भी कह देंगे कि ऐसे अगर आपकी की बातों में आ जाएंगे तो फिर किसी को बना देंगे, यहाँ पर इतना पहुंचाना है पहुंचा देंगे। हालांकि आपने एक नई चीज बताई, ठीक है आपकी बात आ गई, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने ऑक्शन का जिक्र किया, सवाल पूछा आपने ऑक्शन का जिक्र किया, ये ऑक्शन इंडिया गठबंधन में भी लग रहा है इन दिनों। नहीं, इंडिया गठबंधन में किस बात का ऑक्शन लगेगा भाई, कोई मुख्यमंत्री तो बनना रहा नहीं, सीट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर के लगातार, बंटवारे को लेकर क्या ऑक्शन होगा। और तो हम तो पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि सीट को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
वो तो कांग्रेस जीत जाती तो उसकी मांग उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती कि साहब ऐसा है अब 10 पे ना मानेंगे, अब तो हम 20 लड़के रहेंगे, ये बात मैं मान सकता हूँ। अब कितनी देंगे? नहीं अब तो जो पहले से तय थी उतनी मिलेंगी, बता दीजिए मीटिंग में तय हुई थी नंबर वही मिलेंगी। नंबर ऑफ सीट का जिक्र कर दीजिए ना ताकि दर्शकों को भी पता हो जाए और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी बैठे उनको भी पता हो जाएगा। देखिए कांग्रेस ने ये सवाल कांग्रेस का है तो कांग्रेस बताएंगे, हम अपनी बता सकते। नहीं आपने ये कहा ना कि अब यूपी में हम मांगेंगे नहीं हम देंगे, आपके नेता ने ये कहा है? ये बात मैंने नहीं, वो डिस्क्लोज पॉइंट नहीं कर सकता मैं तो ये कह सकता हूँ जो पहले मीटिंग में तय थी वही मिलेंगी बस। ठीक है वो कांग्रेस को भी पता है समाजवादी पार्टी को भी पता है। चलिए डॉक्टर प्रदीप जी अगर बता देंगे तो बेहतर है, दर्शकों को भी जानकारी होना चाहिए ना और आपके कार्यकर्ताओं को भी जानकारी होना चाहिए कितनी सीटों पर बात चल रही है। सीएम के नाम तो पूछ लो। चलिए मैं वो पूछ रहा हूँ, रमन जी जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि रमन जी एक छोटा सा कमेंट कीजिए उसके बाद डॉक्टर प्रदीप जी के पास आते हैं। देखिए मैं इस पे नहीं जाता कि जो वो कमलनाथ जी ने कहा था किसी एक व्यक्ति के लिए जिसको नलके पसंद हो टुकियां पसंद हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस पार्टी के अंदर मी माइसेल्फ और आए हो, एक गरीब अध्यापक का या अध्यापक का पुत्र लंबोर्गनी तक पहुंच जाए या 8 लाख रुपए की साइकिल तक पहुंच जाए, उसको ये पता नहीं होगा कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी इलेक्ट होना डेमोक्रेसी करना या दर्द हो रहा है पेट में क्या, एक पिछड़े का बेटा लंबोर्गनी से चलने लगा। कोई बात नहीं मनोज जी आपके है, दर्द हो रहा है, आजमोला खाइए मस्त हो जाइए। अगर आजमोला का प्रचार नहीं करते जल भी आता है, दर्द हो रहा है, लोटा लेकर नहीं जाना पड़ेगा, शौचालय बन गए हैं आपके, दर्द हो रहा है। मैंने अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक का नाम ले लिया तो पेट में गैस बन गई, मैंने सिर्फ नाम ही तो लिया ना, अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक का। अरे जिसके घर बच्चों के साथ में बात करता हूँ, अगर लंबोर्गनी गलत तरीके से ली गई हो, ए सुनो सुन लो रमन मलिक, अगर गलत तरीके से लंबोर्गनी ली गई हो, टैक्स ना पिया तो फिर आप बताओ सवाल उठाओ ना, अपनी टैक्स नहीं लिया क्या भारत सरकार ने? मत करिएगा, नहीं पिछड़े के बेटे से टैक्स नहीं लिया क्या, या दर्द हो रहा है कि पिछड़े का बेटा कैसे चलेगा लंबोर्गनी से? वो देगा टैक्स? हाँ जो तो फिर क्या का दर्द है तुम्हें? क्यों नहीं देगा? फिर किस बात का दर्द है? क्यों दर्द है तुम्हें? क्यों दर्द है भाई तुम्हें? हम लंबोर्गनी चले, मैं भी तू हम हाथ नहीं। मनोज जी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा शब्दों का हमें ध्यान रखना है। नहीं, आप उसका पलटवार कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। ठीक है आएंगे आपको, इनके लिए सही है। नहीं किसी के लिए नहीं, रमन जी पांडे जी बिल्कुल सही है, इनके लिए शब्द परवरिश में लगता है, इनके लिए यही शब्द है। नहीं किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। इन्होंने जब टोटी का जिक्र किया ना इसीलिए जवाब मिला, किसी को दोबारा टोटी बोलो तो अभी और सुना दूंगा तुमको अच्छे से, जाके कोर्ट में केस डाल दीजिए। टोटी बता रहा हूं, कहीं कोई टोटी का पानी खो देंगे तो भर जाओगे उसी में, आप लगा दीजिए। अरे टूटी चोर वाले बस करो। हाँ टोटी का, अच्छा ठीक है, दोनों लोग रुकिए जरा, रमन जी रुकिए, मनोज जी आप रुकिए, एक कमेंट ले लीजिए भाई, एक एक कमेंट आ जाने दीजिए, मनोज जी रमन जी एक रुक जाइए, अब दोनों लोग रुकिए। डॉक्टर प्रदीप जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा करके, कहते हैं ना कि जब मटका कोई खरीदने जाता है, घड़ा कोई खरीदने जाता है तो ठोक बजा के देखता है कि कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, तो अगर पुराने नेतृत्व को हटाने की सोच है भारतीय जनता पार्टी में, किसी नए चेहरे को स्थापित करना है तो ठोंका बजाया जा रहा है, इसमें इतनी जल्दबाजी और इतनी हड़बड़ाहट क्यों कांग्रेस को है? ये कांग्रेस को लेके या भाजपा को है? नहीं कांग्रेस की तरफ से, अब तो प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आने लगी ना कि अभी तक मुख्यमंत्री का नहीं है, लेकिन आपका मुख्य सवाल क्या है, मुख्यमंत्री को चुनाव या कांग्रेस? नहीं मेरा तो सवाल ये है कि आपको दिक्कत क्या है, आप थोड़ा सा सब्र करिए, मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नियुक्ति भी हो जाएगी। आपने कह दिया कि तेलंगाना में हमने तो शपथ पत्र शपथ दिला दिया मुख्यमंत्री को, अभी 3 राज्यों में नहीं दिला पाए। काम तो भारतीय जनता पार्टी का है कि वो चुनेंगे मुख्यमंत्री, सवाल इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया है वो तो भाजपा की है, और भाजपा के नेतृत्व तो इस पे विचार कर रहा है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इसमें हमारे को आपत्ति करने की आवश्यकता है? तो सवाल तो आप अपने अधिकार है वो करेंगे, तो आप समझाइए ना अपने नेताओं को। नहीं मुझे आप बताइए ना किस मुसले पर बात करना चाह रहे हैं, मुझे आप, मैं आपसे तकनीकी कारण से देर से जुड़ पाया हूँ, इसलिए मुझे जानकारी दीजिए कि विचार क्या है, संदर्भ क्या है, फिर मैं आपको बात करूँ।
मुझे लगता है कि आप जो है अपने पार्टी से अवगत नहीं है कि जो आपके नेताओं की जो प्रतिक्रिया। मैं आपकी डिबेट के सब्जेक्ट से अवगत नहीं हूं पांडे जी, मैं आपसे तकनीकी कारणों से लेट से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे संदर्भ बताया तो डॉक्टर प्रदीप जी आपकी गलती, मैं संदर्भ बता दे रहा हूं, ये प्रदीप जी आपकी गलती है कि आपने जब डिबेट के लिए आपको आमंत्रित किया गया तो आप हमारे सहयोगियों से आपने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, गलती आपकी है। आप सुनिए, हाँ ये जानकारी इन्होंने दी नहीं मुझे, हाँ तो आपको आपको मांगना भी चाहिए हमारे, ठीक है मैं मान लिया, मैं मान लिया मेरी भी टीम की गलती होगी, ठीक है उनको देना चाहिए और आपको मांगना भी चाहिए। अब बताइए सवाल, ठीक है जवाब दूंगा ना आपको। आपके नेताओं की तरफ से ये टिप्पणी आने लगी, प्रतिक्रिया आ रही है, ये कहा जा रहा है कि हमने तेलंगाना में 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया और आज शपथ भी दिला दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पांचवा दिन है आज, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका। मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा रहा। जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट भी देख लीजिए मोबाइल पर। सुनिए सुनिए, इसका मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, कि जब प्रदेश के लोगों ने प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं लेकर चुनाव में उनको वोट दिया है तो क्या कारण है कि जब उनको 2024 के लोगों चुनाव, डॉक्टर प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही आपकी, इसका मुख्य कारण है, ठीक है बोलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के फैसला करना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता है प्रदेश का विकास नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसका विकास करने की बात दिमाग में नहीं है, वो देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन के लिए वो व्यक्ति चाहते हैं जो राजनीतिक रूप से उनको पूरी सीटें, लोकसभा की सीटें उनको दे, उनका प्रदेश के विकास तो सेकेंडरी प्राथमिकता है। चुनावों की उनकी बात को लेकर बात करें तो प्रदेश के चुनाव तो दशहरा हुआ, वो दिवाली की बात कर रहे हैं दिवाली पर, और दिवाली उनकी क्या है, लोकसभा के चुनाव, इसलिए वो ठोक ठोक कर ये जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति राजनीतिक रूप से उनको सीटें देने में सक्षम है जो उन प्रदेशों से लोकसभा में आने वाले। पहले भी एक दिवाली मनने जा रही है 22 जनवरी को, लोकसभा में है प्रधानमंत्री, तोते की जान लोकसभा में है, इसलिए श्रीमान वो लोकसभा में ठोक बजाकर उस व्यक्ति को लाना चाहते हैं। और अब मैं बता दूं आपको, मेरा ये भी अनुमान है कि 6 महीने बाद ये सारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे ये बदले जाएंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस के लोग इन सरकारों में डाले जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की विकास की योजना राज्यों के लिए नहीं है जिसके लोगों ने वोट दिया है, उनका सिर्फ एक ध्येय है कि लोकसभा में उन 3 राज्यों की अधिकतम सीटें कैसे मिले और कौन व्यक्ति उनकी झोली में डाल सकता है, ये उनका मुख्य ध्येय है और इसी पर जोड़वाई गुणाभाग कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके पास सिर्फ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तीसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, मैं तो अध्यक्ष नड्डा जी को भी नहीं मानता, नड्डा जी को सिर्फ उन्होंने एक प्रोग्राम दे रखा है, लेकिन सारे निर्माण के निर्णय 2 व्यक्ति करते हैं और इन 2 व्यक्तियों के निर्णय की जो रणनीति है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसलिए उनकी जान लोकसभा चुनाव 2024 में अटकी है और इसीलिए वो देर लग रही है कि उन लोकसभा सीटों को प्राप्त करने के लिए वो उस व्यक्ति को जाए जो उन्हें पूरी सीटें वहां से दे, उनका प्रदेश के विकास में लोगों की प्रतिबद्धता के संबंध में उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, जो उन्होंने पहले भी दोहराया है और वो फिर दोहरा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो अपनी राजनीति रमन जी आ रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। राहुल दालान जी आपसे 2 सवाल पूछना चाहेंगे, पहला सवाल मैं प्रदीप जी से जुड़ा हुआ पूछूंगा उसके बाद बीजेपी पर आऊंगा। सवाल यह कि प्रदीप जी ने पहले खुद कहा कि ये मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, हमारा क्या उसमें, और जैसे ही मैंने ये कमेंट किया कि जयराम रमेश जी ने ये ट्वीट किया है, उनकी जो लैंग्वेज थी, जो बोल थे वो बदल गए, वो सीधे सियासी फायदे पर आ गए। जब मुझे मुद्दा पता लगा तब मैंने अपनी बात कही ना श्रीमान, ठीक है ठीक है, मुझे आरोपित मत कीजिए, नहीं नहीं आरोपित नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी बात को ही राजनीतिक विश्लेषक, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपके समझने के बाद अपना राजनीति जवाब दिया है श्रीमान, ठीक ठीक, आप इसको घुमाइए मत, नहीं नहीं घुमा नहीं रहा प्रदीप जी, जो मुझे मुद्दा पता था तो मैंने आपको जवाब दिया है और मैंने फिर कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रमुखता लोकसभा के चुनाव है, इन 3 राज्यों से उनको लोकसभा में जो अधिक से अधिक सीट दे सकेगा वो उन लोगों को इसमें चयनित करेंगे और प्रदेश की प्राथमिकता उनकी उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। राहुल तारान जी देखिए, जो आपका सवाल है और जो प्रदीप जी बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक सीट उनके पास ऑलरेडी अधिक से अधिक सीट है 3 राज्यों में, 1-2 सीट की बात है वो भी हो सकता है, जैसे श्रीमान अगले चुनाव की बात हो रही है,
हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अधिक से अधिक क्या 25 से ज्यादा राजस्थान में कोई क्या देगा? 25 ही देगा ना प्रदीप जी, या 29 से ज्यादा कोई क्या देगा? 25 ही आ जाएंगी तो मध्य प्रदेश में 29 से ज्यादा क्या देगा? 28 ऑलरेडी बीजेपी की है, एक आपके पास सीट है छिंदवाड़ा, तो ये भी मतलब ठीक है, राजनीति अलग चीज है। देखिए मुझे लगता है जो भी, एक तो कांग्रेस को ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस का एक तरीके से नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो हर चीज में इंटरफेयर करे पॉलिटिक्स में, और विपक्ष का काम भी यही है। तो जो कांग्रेस कर रही है उस पर कोई बात भी नहीं और कोई होना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस का जो काम है वो अच्छे से करती रहे, यही बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज देखिए कि मुझे लगता है कि जो भी आपने नाम गिनाए, जैसे राजस्थान में एक नाम आपने अभी इंक्लूड नहीं किया है, राजस्थान की जो मैंने आपकी जब रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट में ना ओम माथुर जी का नाम इंक्लूड नहीं है। हाँ, ठीक बात। तो ओम माथुर जी भी एक दावेदार हैं, और मैं बता रहा हूँ वो दावेदार क्यों है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। हाँ। और छत्तीसगढ़ बीजेपी से ऐसे लग रहा था एक टाइम पे दूर है, फिर ओम माथुर जी को वहां चुनाव का प्रभारी बना के भेजा गया। जब चुनाव का प्रभारी बना के भेजा गया तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा, सब रिपोर्ट भी देखी कि एग्जिट पोल क्या बोल रहे थे, ओपिनियन पोल क्या बोल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ बंपर जीत दिया है बीजेपी को। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज बीजेपी की आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिनके नाम बहुत ज्यादा तेजी से चर्चा में चल जाते हैं ना, तो बीजेपी उनपे भरोसा नहीं करती है। ठीक है, तो उनमें अगर जो जैसे ओम माथुर जी का भी नाम कहीं नहीं है, वो लो प्रोफाइल चल रहा है। मैं दो लोगों को बस मानता हूं कि राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या तो वसुंधरा राजे जी को रिपीट किया जाएगा, या ओम माथुर जी को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि शिवराज चौहान जी को रिपीट किया जाएगा, या जैसे नरेंद्र तोमर जी का नाम चला है, नरेंद्र तोमर जी वहां बिल्कुल रेस में ही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि नरेंद्र तोमर जी के बेटे के भ्रष्टाचार के या उस पर बात करते हुए दो वीडियो आए थे, और वो वीडियो इतनी बड़ी राह में रोड़ा है उनकी में कि वो भूल ही जाएंगे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनको अब राज्य की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कराया जाएगा, और वो लगातार राज्य की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, प्रहलाद पटेल बहुत बड़े दावेदार हैं निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में, और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का कोई बनता नहीं, क्योंकि आदिवासी स्टेट, और किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो भी मेल मुख्यमंत्री, विष्णुदत्त साय हो सकते हैं मुझे लगता है उनमें कि वहां मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी चीजें, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए बीजेपी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि हाँ ये इस वक्त पता है सबको कि बीजेपी में 2-3 लोग ही डिसीजन लेते हैं, इसीलिए तो सूत्रों की खबर नहीं आ पाती है जिनकी बात कर रहे थे रमन मलिक जी, के सूत्र अब आते नहीं है, आएंगे कहां से? 2 लोग हैं, 2 लोगों से कोई, रमन जी को खुद नहीं पता होगा क्या होने वाला है, और जो संसदीय दल के नेता है उनको नहीं पता होगा, बाकी और लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है पार्टी अध्यक्ष को भी ना पता हो बहुत सारी चीजें कि क्या होने जा रहा है। तो ये सही बात है कि अब सूत्रों से खबरें नहीं आती है, क्योंकि 2-3 लोग डिसीजन लेंगे तो चीजें लीक नहीं होती हैं, और ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकली करेक्ट भी हो बीजेपी के लिए, इस पे चर्चा कभी और हो सकती है कि ये सही है या गलत है, लेकिन इस वक्त ये सही बात है कि चीजें बाहर निकल के नहीं आ पाती है, और प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है वो कोई दूसरा नहीं जानता। और ये भी सही है कि इस ईरा में, इस पॉलिटिकल ईरा में प्रधानमंत्री से बड़ा इस देश में कोई नेता नहीं है, तो वो इतने बड़े नेता हैं कि 3 राज्य उन्होंने अपने दम पे चुनाव जिताए, और उन्होंने बताया कि भाई मैं बहुत बड़ा नेता हूं, और अपने फेस पे, देखिए ये हिम्मत होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर में कि वो अपने फेस पे जाके चुनाव लड़े और 3 राज्य जीते, अगर जो हार जाते तो सोचिए डैमेज कितना होता, प्रधानमंत्री खुद मोदी की छवि को बहुत ज्यादा डैमेज होता। तो ये जो रिस्क टेकिंग क्षमता है ना प्रधानमंत्री में, वो इस वक्त किसी लीडर में है नहीं, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, राहुल गांधी में वो रिस्क टेकिंग क्षमता है नहीं सारी चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सारी चीजें दिखाई है, करके दिखाई है, आप उनपे लाख आरोप लगाएं कि वो गुजरात लॉबी को ये आगे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष हैं, लेकिन आपको भी इस चीज की सराहना करनी होगी कि प्रधानमंत्री के रूप में कोई व्यक्ति और 3 राज्यों में जाके अपने फेस पे चुनाव लड़े, अपने काम पे चुनाव लड़े, और वो हार जाता तो कितना डैमेज होता कि आप 2024 तक जीने नहीं देते विपक्षी, लेकिन ये जो रिस्क ठीक बात, कर्नाटक में ही देखिए, कर्नाटक में जो हुआ उसके बाद लगातार ये आरोप लगाते रहे कि जो क्रेज था वो क्रेज खत्म हो गया। हम ये कह सकते हैं कि सत्ता सियासत और सामाजिक सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से, यही वजह है कि देरी हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2024 को तो ख्याल रखा जाएगा ना कि 2024 में, जैसे अगर जो आज वसुंधरा राजे दिल्ली में है तो वो दिल्ली में क्यों है, वो दिल्ली में इसीलिए वो समझा सके
कि अगर जो वसुंधरा राजे बीजेपी से छिटक के चली जाती है, ठीक है वसुंधरा राजे नाराज हो जाती है, तो वसुंधरा राजे इतनी कैपेसिटी की नेता है कि वो 2024 में नुकसान पहुंचा देंगी। अगर जो शिवराज चौहान नाराज हो जाते हैं तो वो इस कैपेसिटी के नेता है कि 2024 में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर जो रमन सिंह की बात की जाए तो रमन सिंह तो चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आए, तो उनसे कोई बार्गेन नहीं करना है पार्टी को, बार्गेन करना है दो लोगों से, वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान से। वो दोनों बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जब खुद मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, उनके समकक्ष रहे और उनकी कैपेसिटी को भी जानते थे कि अगर जो किसी पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ जीती हुई पार्टी के 60 सांसद जाते हैं और मिलने के लिए जाते हैं वसुंधरा राजे के यहाँ, तो वसुंधरा राजे के पावर को समझ सकते हैं, आप उनको राजस्थान की पॉलिटिक्स में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने वही रमन जी से मैंने यही सवाल पूछा, तो रमन जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरअसल भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती है, ये सब कांग्रेस में चलता है। देखिए देखिए ये तो बिल्कुल एक ऐसी अतिशयोक्ति हो जाएगी ना कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती है। देश में वर्ल्ड की किसी भी राजनीति में कहीं भी जहां लोकतंत्र है, जहां एक दलीय प्रणाली है, कहीं भी राजनीति में प्रेशर होता है और प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति का अभिन्न अंग है प्रेशर। अगर जो नहीं होगा, अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की थी 2013 में जब वहां गुजरात में कार्यकारिणी हुई थी संजय जोशी जी के लिए कि वो नहीं आने चाहिए, मैं तभी आऊंगी। तो प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बीजेपी बची हुई है या कांग्रेस बची हुई है या कोई पार्टी बची हुई है? हाँ, एक जो परिवार की पार्टी है वहां नेता सर्वे सर्वा है, लॉस जो होता है हो जाए, अगर जो अड़ गया नेता तो अड़ गया, लेकिन बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी या और कोई पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं बच सकती है। जब आप प्रेशर बोलते हैं कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हमारी पार्टी में नहीं है, तो आप राजनीति को झूठा बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीति ऐसे नहीं चलती है। ठीक है रमन जी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, राहुल तालान जी कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है, प्रेशर का जो एक अभिन्न अंग है पॉलिटिक्स का, और वो हर सभी राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। प्रेशर पॉलिटिक्स ये होती है राहुल जी कि जहां आपके पास प्रेशर के इतना सरमाया हो कि आप पार्टी को पॉलिटिकली और वर्टिकली स्प्लिट कर सकें, जैसे सपा स्प्लिट हुई, जैसे कांग्रेस विभिन्न बारी स्प्लिट हुई, जब भाजपा में इस प्रकार का हरकत करी जाती है तो बड़े से बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा हो, वो भी उचित समय और उचित कार्रवाई के अनुरूप ही उसके साथ भी व्यवहार करा जाता है। जहां तक बात ये जो आप दर्शाना चाह रहे हैं ना कि जी सिस्टम एक ही है, सिस्टम एक नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा राहुल जी, थोड़ा सा फर्क है कि वर्तमान भाजपा उन सिद्धांतों पे बनी है जिन सिद्धांतों पे दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को लाना चाहा था। आपको दीनदयाल उपाध्याय जी का इतिहास पढ़ना चाहिए और उस इतिहास में खासकर वो अध्याय रुकिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मत लीजिए, आपको संदर्भ दे रहा हूँ, आप उसको जाके स्टडी कर लीजिएगा। जब प्रीवी पर्स का विषय उठा था, उपाध्याय जी को बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा सर, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अब आपसे प्रीवी पर्स का पड़ेगा, मुझे मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा, गजब गजब हालत। अरे आप छोड़िए ना, आपके वक्तव्य से पता लग रहा है। सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय जी जब पार्टी को संभाल रहे थे उस समय प्रीवी पर्स का विषय राजस्थान असेंबली में उठा था और उस समय भाजपा के लगभग 8 एमएलए थे जिसके अंदर भैरव सिंह शेखावत जी भी थे। उस समय सिद्धांतन जब भाजपा ने यह कहा था कि हम प्रीवी पर्स के अगेंस्ट हैं, जनसंघ, मैं वही आपको, रुक जाइए सुनिए पूरी बात को सुनिए, जनसंघ ने जब ये कहा था, धन्यवाद आपने करेक्ट करा टाइम स्पैन का, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जनसंघ जब उस समय जनसंघ होती थी, जनसंघ के लिए जब दीनदयाल जी ने तब ये दिया था कि हम प्रीवी पर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे और प्रीवी पर्स अबॉलिश होना चाहिए, उस समय हमारे 8 में से 4 जो विधायक थे वो छिटक गए थे और उन्होंने दूसरा अपना मत रखा था।
उस समय भी हमने यही कहा था कि अगर विषय जो एक पार्टी का डिसीजन है अगर वो जात अगर उसके अगेंस्ट कोई भी हो और हम एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह लीजिए या उस पोस्ट पे होती हुई पार्टी भी जाती है तो हमारे को नहीं चाहिए वो पोजीशन, लेकिन हम अपने सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी तब भी हमने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े थे। हमको ये पता है कि हमने किस तरीके का उच्च कोटि का कार्यकर्ता बनाना है। अगर भाजपा अपने प्लान में जनसंघ अपने प्लान में जो एक आइडियल वर्कमैन है अगर एक आइडियल कार्यकर्ता अगर परिपूर्ण बनता है तो वो नरेंद्र मोदी की तरह बनता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे भाजपा के अंदर जो उसी विचारधारा से हैं उसी सिस्टम से चढ़ते हैं और वो अपने आप को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जो थोड़ा सा सिस्टम है ना सर अबव द ऑर्डिनरी बट फॉर द बिगर गोल, ये ठीक सिस्टम जो है राजनीति में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन अभी भी भाजपा में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कर लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल 3 मुख्यमंत्रियों का दिया है। ठीक है, दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के जो पदचिन्हों पर चलने का दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए तमाम पार्टियां अलग अलग नेताओं के पदचिन्हों पर महापुरुषों के पदचिन्हों पर दावा करती हैं। अगर मैं सही हूं तो 1961 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक पत्र लिखा था जनता को और संबोधित किया था कि आप अपने मुद्दे पर वोट दीजिए, कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति यदि अच्छी पार्टी में भी खड़ा है तो आप उसे मतदान मत कीजिए, सड़क पानी बिजली समस्या अपनी समस्याएं जो हैं उस पर मतदान कीजिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है, दुष्ट वायु कहीं भी रहे वो मानव को नुकसान ही पहुंचाएगी। और आज हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो जो जितना बड़ा माफिया जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा दावेदार टिकट का, ये कहना बड़ा आसान होता है सभी पार्टियों के लिए लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। रमन जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और अभी मनोज जी उस बात का जिक्र कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर के कि वो कांग्रेस को पता है, हालांकि वो उनकी नेता की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक है। अब 400 के पार का नारा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और कहा जा रहा है कि एक ही गारंटी मोदी की गारंटी है। 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? मुख्यमंत्री तो बनेगा जो भी बनेगा, और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमने पहले भी कहा कि बड़ा ठोक पीट के चेहरा देखेगी और ऐलान करेगी। पांडे जी देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को इसको सारे कुछ चीज को समीक्षा करनी होगी और उन कारणों पर जाना होगा, क्योंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह का वातावरण वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को सांत्वना विश्वास दे रहे हैं और लोग उनकी बात मान रहे हैं, तो लोकतंत्र में अगर लोग उनकी बात मान रहे हैं तो उस तरह से उनको वोट मिल रहा है। तो हमें सवाल यही है कि कांग्रेस को अपनी रीति नीति और इन सभी स्थितियों पर गौर करना होगा कि क्या कारण है कि कांग्रेस की लीडरशिप पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से आज के देश में वातावरण है जिसमें कि हम पिछले 10 सालों का अगर मामला देखें तो विश्वसनीय कोई बात कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जो देश में राज करने आए थे तब उन्होंने जो वादे किए वो वादे गौण हो गए, उन्होंने उन वादों का तो कोई उल्लेख अब करना उचित ही नहीं समझते हैं। वो सरकार में आने के बाद अपनी प्राथमिकताएं खुद निर्धारित करते हैं, वो राम मंदिर का शिलान्यास की कोशिश करते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें भी उन्होंने ये बातें कही, लेकिन आप देखिए उसमें क्या स्थिति बन रही है। जहां तक विदेशी बात करें तो चाइना बॉर्डर पे जो कुछ हुआ जो दुर्घटनाएं हुई उसको भी शेयर लेकर राजनीति करने की कोशिश की, पुलवामा में अटैक हुआ उसका फायदा लेने की कोशिश की, वो देश के साथ देश की व्यवस्थाओं और संस्थाओं का जो उपयोग कर रहे हैं। और आज तो स्थिति ये है कि अभी दीनदयाल की बात आप कर रहे थे, वो दीनदयाल नहीं उन सब सड़कों को और भवनों को नष्ट कर रहे हैं जहां पे उनसे बड़े नेताओं के नाम है, चाहे वो नेहरू हो चाहे गांधी हो, वो सिर्फ गुजरात के पटेल को लेकर साथ चल रहे हैं क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। तो उनकी जो रीति नीति है और उनके जो व्यक्तित्व में जो संदिग्धता है वो यही वजह है कि देश के सभी महापुरुषों को तिरस्कार करते हुए उनका अपमान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पटेल के साथ चल रहे हैं क्योंकि पटेल गुजरात से थे। पटेल का उल्लेख करना, पटेल को महिमा मंडित करना, सारे महापुरुषों के नाम से स्थानों भवनों को बदल देना, अब मुझे बताइए, अब उन्होंने संसद में बना दिया जिस संसद भवन की आयु भी 40 वर्ष थी, उनको ये नया संसद भवन इतनी जल्दी बनाने की क्या जरूरत थी?
आपने 20 लाख करोड़ रुपए इसमें फूंक दिए। आप मुझे बताइए, ठीक है ये मुद्दे उठाते रहिएगा, ये मुद्दे उठते रहेंगे, ये मुद्दे लगातार आप जमीनी स्तर पर उठाते रहिए। नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक चुनौती राजनीति करते हैं, वो व्यक्तित्ववादी राजनीति करते हैं। ठीक है एक चुनौती और बड़ी है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी ही अभी बीजेपी से यूपी में लड़ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि जो भी लोकसभा के चुनाव में उनके साथ रहेगा उसी को फायदा होगा। आपने देखा, आपने जो समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया, अब यूपी में समाजवादी पार्टी वही आपके साथ करने जा रही है। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राय साहब, अजय राय जी, वो कह रहे हैं जो हमने चुनाव के दरमियान बयान दिए थे वो बयान बिल्कुल सारे जायज हैं। कैसे आप एका होगा? देखिए फिर भी बात आती है, जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात है, अगर क्षेत्रीय पार्टियां अपनी प्रमुखता लिए आगे बढ़ेंगी तो फिर सामंजस्य कैसे होगा। जहां तक बात इंडिया गठबंधन की है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो पार्टियां हैं, हमारी पार्टी को अगर नुकसान भली राष्ट्रीय चुनाव में हुआ है, तीन चुनाव में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें दुरुस्त करें। आप व्यवहार बदलते हैं, आप अपनी प्राथमिकता और सुविधा के अनुसार प्राथमिकता बदलते हैं, लेकिन आपको इंडिया गठबंधन में आपको सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ये समझें दूसरी पार्टी कमजोर हो रही है तो फिर ठीक है, आप तांगा बढ़ाइए, अपना बढ़ा सकते हैं। तो मनोज जी, आपका हर्ष पहले भी देखा चल चुका है, ये आपकी गलत फहमी है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और आप अपने सुविधा अनुसार अपना जो मंतव्य है वो मत बदलिए, ये प्रदीप जी कह रहे हैं। पांडे जी आप एक गलत बयान दे गए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ वो व्यवहार करेगी जो व्यवहार इन्होंने हमारे साथ मध्य प्रदेश, ये आपके नेता ने कहा था। गलत है, ये आपके नेता ने कहा था। उन्होंने तो हमें सीटें नहीं दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम उनको सीट नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपके नेता ने जो कहा, आपके नेता के बयान मैंने यहाँ पर कोट किए, आपके नेता ने कहा जैसा मेरे साथ मध्य प्रदेश में हुआ वैसे हम यूपी में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तरीके से गठबंधन में जो है और जो गठबंधन की एक शर्त होती है या जो एक मानक होता है उस मानक को पूरा करके हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को अगर किसी तरीके का अभी भी कोई ऐसा फीवर है तो उसके लिए हम कुछ कांग्रेस को कह नहीं सकते। और कांग्रेस को 200 सीटों से ज्यादा पूरे देश में है, जहां वो लाल लंगोट बांध के लड़े, पीला लंगोट बांध के लड़े या कोई और कलर का बांध के लड़े, बीजेपी को हराना कांग्रेस को ही है। क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई ऐसा दल नहीं है जो अकेले इंडिया अलायंस के गठबंधन में रह के जाके कहीं लड़ा दे, किसी को हरा दे। बीजेपी सब हराएंगे तब हारेंगे, लेकिन सबसे बड़े प्लेयर के रूप में कांग्रेस है और उनके पास लगभग 10 से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जहां पे उनको अकेले लड़ना है, वहां कोई नहीं आएगा इनसे सीट मांगने के लिए। ना तो समाजवादी पार्टी, ना आरजेडी, ना आरएलडी, ना जेडीयू, ना टीएमसी, ना शिवसेना, कोई नहीं आएगा इनसे सीट मांगने के। तो वहां पे अपनी ताकत दिखाएं, तीन राज्यों में भी इनको ही अकेले लड़ना है, कोई नहीं जा रहा है सीट मांगने के लिए इनसे। और भी जितने हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो और कर्नाटका हो और केरला हो, तमाम सारे ऐसे स्टेट है जहां मजबूत है वहां कांग्रेस अपनी ताकत दिखाए, लड़ना पड़ेगा और पूरी शिद्दत और ताकत से लड़ना पड़ेगा और हम चाहेंगे लड़े भी। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी जो पॉलिटिक्स इस देश में कर रही है वो सबसे निम्न दर्जे की पॉलिटिक्स। दूसरे पे आप सवाल उठाते हो, आप कौन सी कैबिनेट की बैठक कर रहे हो, कौन सी संसदीय जो आपका है दल उसकी बैठक कर रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? आप अगर ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, आप सर्वमान्य नेता हैं, एक सेकंड में फैसला आ जाना चाहिए विधायक दल की बैठक को, जिसका नाम तय करें उसको, तय हो, इसको कहते हैं लोकतंत्र। आपके विधायक तय करेंगे राम भरोसे को और गुजरात लाबी भेजेगी श्याम भरोसे को, राम भरोसे का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है मनोज, स्पष्ट है, अब बहुत जल्दी देखा जाएगा। अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जल्द ही नाम का ऐलान भी हो जाएगा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को मुझे लगता है कि जल्द ही उनको मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को मुख्यमंत्री के नाम का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर उनकी प्रदेश को कौन संभालने वाला